तो बच्चों, डिजीज के बारे में हम पढ़ रहे थे जिसमें कौन कौन से कारण होते हैं, बीमारी किसको कहते हैं, हेल्दी पर्सन किसको कहते हैं, वो सारी चीजें हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं। पर्सनल और कम्युनिटी इश्यूज हैं, वो भी रोल प्ले करते हैं। आप किस तरीके का खान पान आपका है, किस तरीके का माहौल में आप रहते हैं, क्या आपकी आदतें हैं, वो सारे हेल्थ को प्रभावित करते हैं। आप अच्छी आदतें रखते हैं, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अगर आपकी आदतें खराब हैं तो आपका स्वास्थ्य खराब रहेगा। तो ये सब चीजें हैं वो हम कल चर्चा कर चुके हैं। व्हाई डू वी फॉल इल में आज का हमारा टॉपिक है एक्यूट एंड क्रोनिक डिजीजेस। एक्यूट और क्रोनिक डिजीज को आप बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में समझ सकते हैं। एक्यूट का मतलब होता है कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है, और क्रोनिक डिजीज है वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है। तो बड़े आसानी से आप इनको पहचान सकते हैं। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो थोड़े समय में ही खत्म हो जाती हैं, वो उनका असर है वो 1-2 दिन तक रहता है, या 2-3-4 दिन के बाद में हम बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं। परंतु बहुत सारी बीमारियां ऐसी भी होती हैं जो लंबे समय तक रहती हैं, मतलब महीनों भर चलती हैं, या कहना चाहिए कि कई सारी बीमारियां ऐसी होती हैं कि वो जिंदगी भर तक रहती हैं, तो वो क्रोनिक डिजीज कहलाती हैं। अब एक्यूट डिजीज है वो ज्यादा उनका इफेक्ट होता है, परंतु शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होते हैं, इसलिए हमारे हेल्थ है वो बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होती। इनके असर है, उनका प्रभाव है वो बहुत लंबे समय तक नहीं रहता, क्योंकि 1-2 दिन के बाद में ठीक हो जाते हैं, तो हेल्थ है वो ज्यादा प्रभावित नहीं होती है। बीमार होने के तुरंत बाद में ठीक हो जाते हैं, परंतु क्रोनिक डिजीज हैं वो लॉन्ग लास्ट होती हैं, लॉन्ग पीरियड तक चलती हैं, तो निश्चित रूप से हेल्थ को वो एडवर्सली अफेक्ट करती हैं। दोनों का मतलब समझ लेते क्या मीनिंग होता है एक्यूट और क्रोनिक डिजीजेज का। एनी पर्सन इज अफेक्टेड बाई ए डिजीज, इधर द नॉर्मल फंक्शनिंग और द अपियरेंस ऑफ वन और मोर सिम्टम्स ऑफ द बॉडी चेंजेस फॉर द वर्स। These changes give rise to signs of the disease called symptoms। मतलब ये आपको पता ही है, सिम्टम किसको कहते हैं, सिम्टम्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए डिजीज, बीमारी के लक्षण हैं उनको हम सिम्टम्स कहते हैं। कोई न कोई सिग्नल, कोई साइन, कोई करेक्टर है वो अपियर होता है बीमारी का, जिनको हम सिम्टम्स बोल रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द सिम्टम्स द फिजिशियंस लुक फॉर द साइंस ऑफ ए पर्टिकुलर डिजीज एंड कंडक्ट टेस्ट टू कंफर्म द डिजीज। मतलब देख करके ही पता लगा लेता है कि इसके ये लक्षण आ रहे हैं, इसका मतलब कौन सी बीमारी होगी, और उसको कंफर्मेशन के लिए क्या करवाते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाते हैं, परीक्षण करवाते हैं, जांच करवाते हैं, और जांच करके और कंफर्म हो जाता है कि यही बीमारी होगी। टाइप्स ऑफ डिजीजेज, डिजीज आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, देर आर टू टाइप्स ऑफ डिजीज। फर्स्ट वन एक्यूट डिजीजेज आर डिजीजेज विच लास्ट ओनली फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड डज नॉट हैव लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन हेल्थ। मतलब जो थोड़े समय के लिए होती है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है, और हमारे स्वास्थ्य को बहुत लंबे समय तक प्रभावित नहीं करती, तो वो बीमारियां क्या कहलाती है, एक्यूट डिजीज कहलाती है। एग्जाम्पल कोल्ड, कफ, टाइफाइड, कोलेरा। इसके बाद में नेक्स्ट टाइप की डिजीज है क्रोनिक डिजीज आर डिजीजेज विच लास्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम एंड हैज लॉन्ग टर्म ड्रास्टिक इफेक्ट ऑन हेल्थ। मतलब कि वो लंबे समय तक शरीर में बनी रहती है, लंबे समय तक हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, और जब लंबी समय तक बीमारियां रहती है तो वहां पर एडवर्सली हमारा हेल्थ है वो प्रभावित होता है। एग्जाम्पल आप क्रोनिक डिजीज देख सकते हैं, डायबिटीज है, ट्यूबरकुलोसिस है, एलिफेंटियसिस है, अर्थराइटिस, कैंसर, ये सारी बीमारियां हैं वो किस टाइप में आएंगी, क्रोनिक डिजीज में आएंगी। जबकि एक्यूट डिजीज है उनके आपको भी बहुत सारे एग्जाम्पल बताए हैं। एक बार बता दीजिए जल्दी से कोई नए नाम इनके अलावा, ये एग्जाम्पल के अलावा कोई एक्यूट और क्रोनिक डिजीज के नाम सुझा दीजिए जल्दी से। इसके बाद में एक कैटेगराइजेशन और है डिजीज का, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज, मतलब इन्फेक्शियस डिजीज और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस डिजीज विच कैन स्प्रेड फ्रॉम इल पर्सन टू हेल्दी पर्सन, दीज आर ऑल्सो नोन एज कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज मीन्स विच कैन नॉट ट्रांसफर और ट्रांसमिट फ्रॉम इल पर्सन टू हेल्दी पर्सन। तो दो कैटेगरी है अगर फैलने के आधार पर,
कि वो एक इंसान से दूसरे इंसान में चले जाती हैं या नहीं जाती हैं, उसके आधार पर इनको दो टाइप में बांटा गया है, कम्युनिकेबल डिजीजेज और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज, या इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेज। ठीक है, तो ये भी बड़े आसान है, आपको समझ में आती है, इनके बारे में आपको मालूम है। इन्फेक्शियस डिजीज, कम्युनिकेबल डिजीजेज आर डिजीजेज विच इज स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू ए हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड, वेक्टर्स, फिजिकल कॉन्टेक्ट और सेक्सुअल कॉन्टेक्ट। ये एक्टिविटीज के द्वारा वो इल पर्सन टू हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट हो जाती हैं बीमारियां, तो वो कहलाती है कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज आर डिजीजेज विच आर नॉट स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू ए हेल्दी पर्सन। मतलब वो फैलती नहीं है, एक इंसान है बीमार है उससे दूसरे के शरीर में नहीं एंटर करती हैं, लगती नहीं है बीमारियां, ट्रांसमिट नहीं होती हैं, तो वो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज कहलाती हैं। और जल्दी से इनके एग्जाम्पल बता दीजिए, इन्फेक्शियस डिजीज के एग्जाम्पल बोलिए जल्दी से। आपके आसपास बहुत सारे डिजीज, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, मम्स, मीजल्स, ट्यूबरकुलोसिस, एड्स और टाइफाइड, कोरोना, ये सब बीमारियां कैसी है भाई? इन्फेक्शियस है, चाहे कोई भी तरीके से ट्रांसमिट हो, एयर के द्वारा, वाटर के द्वारा, फूड के द्वारा, वेक्टर के द्वारा। मलेरिया इन्फेक्शियस है कि नॉन इन्फेक्शियस, जल्दी से बताइए। इसको कौन फैलाने का काम कौन करता है मलेरिया को? एग्जैक्टली वेक्टर्स, मॉस्किटो के द्वारा वो ट्रांसमिट होता है इल पर्सन टू हेल्दी पर्सन। इसके बाद में नॉन इन्फेक्शियस में आप देखिए, यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहे हैं, बेरी बेरी, रिकेट्स, स्कर्वी, नाइट ब्लाइंडनेस, डायबिटीज, कैंसर, हाई ब्लड प्रेशर एक्सेट्रा। तो ये कुछ नॉन इन्फेक्शियस डिजीज हैं जिसमें भोजन की कमी की वजह से या अंडर न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन की वजह से जो डिजीज होती हैं वो नॉन इन्फेक्शियस होती है। मान लीजिए कोई आदमी मोटा है, ज़्यादा खाता है, ओबेसिटी है, मोटापा है, तो वो उसके शरीर में ही रहेगा, उसके बगल वाले पतलू के साथ में नहीं लगेगी ना वो बीमारी। तो कहने का मतलब है कि वो बीमारी उसके खुद के शरीर में है, उसके कमी की वजह से या अधिकता की वजह से। बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से होता है बच्चों, रिकेट्स है वो विटामिन डी की कमी से होता है, स्कर्वी है वो विटामिन सी की कमी से होता है, नाइट ब्लाइंडनेस है वो विटामिन ए की कमी से होता है। तो ये सारे विटामिन्स हैं जो हमारे भोजन में होने चाहिए। हम शुरुआत में ये चैप्टर जब शुरू किया तो ये चर्चा कर चुके हैं कि जो डिजीज होती हैं उनको कैटेगराइज किया हमने, कुछ बैलेंस डाइट की वजह से भी होती हैं कि आप अगर प्रॉपर डाइट नहीं लेंगे तो अंडर न्यूट्रिशन होगा, तो कई सारी कमी की वजह से बीमारियां हो जाती हैं, अधिकता की वजह से भी बीमारी हो जाती है, जैसे ओबेसिटी होती है, मोटापा है, वो भी एक पर्टिकुलर फैट के डिपोजिशन होने की वजह से मोटापा आ जाता है। तो कहने का मतलब किसी में अगर कमी है, किसी में अगर अधिकता की वजह से बीमारियां आ रही हैं, तो वो दूसरे में नहीं लगती है, फैलती नहीं है। डायबिटीज है वो भी फैलती नहीं है, वो किसी को अगर डायबिटीज हुआ है, शुगर की बीमारी हुई है, तो वो दूसरे को नहीं लगेगा। इसके बाद में कैंसर है वो भी नॉन इन्फेक्शियस है, एक किसी इंसान को कैंसर हो गया तो वो दूसरे में नहीं जाएगा, ट्रांसफर नहीं होगा। ये अलग बात है कि वो हेरेडिटरी कारण हो सकते हैं कि वहां ट्रांसफर हो जाए। हाई ब्लड प्रेशर, किसी को अगर बीपी हाई होता है, बीपी लो होता है, टेंशन रहता है, तो वो उसके खुद की शरीर की प्रॉब्लम है, वो दूसरे को नहीं होगा। तो ये सब क्या है, अभी हम बात करेंगे इन्फेक्शियस एजेंट्स। इन्फेक्शियस एजेंट्स का मतलब है कि जो कम्युनिकेबल डिजीज थी, इन्फेक्शियस डिजीज थी, उनको ट्रांसमिट करने में, उनको स्प्रेड करने में, उनको फैलाने में कौन कौन से एजेंट्स काम आते हैं और वो कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से बीमारियां होती हैं। तो ये बातें हम कर चुके हैं, डिस्कस भी कर लिया था हमने कि पैथोजेंस कौन कौन से होते हैं। पैथोजेंस, इनको हम इन्फेक्शियस एजेंट भी कहते हैं, डिजीज कॉजिंग एजेंट को हम पैथोजन कहते हैं। द एजेंट्स विच कैन कॉज इन्फेक्शियस डिजीजेज आर कॉल्ड पैथोजेंस, दीज आर वायरसेस, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआंस एंड वर्म्स। पैथोजन, डिजीज कॉजिंग एजेंट को हम पैथोजन बोल रहे हैं, और ये कौन हो सकते हैं? वायरस हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, फंगी हो सकते हैं, प्रोटोजोआंस भी हो सकते हैं और वर्म्स भी हो सकते हैं। तो
तो यहाँ कुछ बीमारियों के नाम दे रखे हैं टेबल के फॉर्म में, वायरसेस के द्वारा कौन कौन सी बीमारी होती है, बैक्टीरिया के द्वारा कौन कौन सी बीमारी होती है, फंगी के द्वारा कौन कौन सी डिजीज होती है, प्रोटोजोन्स के द्वारा कौन सी बीमारियां होती हैं, वॉर्म्स के द्वारा कौन सी बीमारियां होती हैं। तो यहाँ आप इनके ये टेबल के फॉर्म में देखिए, वायरस ये सारे इन्फेक्शियस एजेंट का मतलब पैथोजन है, डिजीज कोजिंग एजेंट है, ये सभी डिजीज कोजिंग एजेंट है, उनके द्वारा कौन कौन सी बीमारियां होती है यहाँ देख लेते हैं। वायरसेस कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, मीजल्स, मम्स, चिकन पॉक्स, एड्स, हेपेटाइटिस बी, इसके साथ में ही आप ऐड कर लीजिए कोरोना, इबोला, इसके बाद में जीका वायरस और डेंगू, ये सब किस में आ जाते हैं, वायरल डिजीज में आते हैं, है ना। तो नाम टेबल बहुत बड़ी होनी चाहिए, नाम आपको पता होने चाहिए। इसके बाद में बैक्टीरिया, जो बैक्टीरियल डिजीज है वो कौन कौन सी है, कोलेरा, टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस, टिटनस, एंथ्रेक्स, फूड पॉइजनिंग, ये सारी बीमारियां बैक्टीरियल डिजीज है। बहुत सारी बीमारियां हैं जो बैक्टीरिया के द्वारा होती हैं। फंगल डिजीज है, इनकी स्किन इन्फेक्शंस है, स्किन इन्फेक्शंस में दाद, खाज, खुजली है, वो इसमें फंगल डिजीज में होती है। इसके बाद में आपने कोरोना के बाद में एक बीमारी फैली थी जो ब्लैक फंगस जिसको कह रहे थे, तो वो भी क्या है, फंगल डिजीज है। इसके बाद में प्रोटोजोअन्स है, प्रोटोजोअन्स है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म्स हैं जिनको प्रोटोजोअन्स कहते हैं, और ये प्रोटोजोअन्स के द्वारा बीमारी होती है। जैसे मलेरिया है, मलेरिया का जो पैरासाइट होता है उसको मलेरिया पैरासाइट या प्रोटोजोअन कहलाते हैं। इसके बाद में प्लाज्मोडियम जिसको कहते हैं, मलेरिया पैरासाइट का नाम है प्लाज्मोडियम है, ये प्रोटोजोअन है। काला आजार, अम्यूबिक डिसेंट्री, अमीबा के द्वारा होती है। स्लीपिंग सिकनेस, ये भी प्रोटोजोअन के द्वारा होती है। इसके बाद में वॉर्म्स, वॉर्म का मतलब होता है लट होती है, कीड़े होते हैं, वो वर्मल डिजीज कहलाती है। कौन कौन सी बीमारी है, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस है, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन में कीड़े हैं वो पेट के अंदर रहते हैं। तो बच्चों याद रखिए, आपको डीवॉर्म डे मनाया जाता है, जिसमें एल्बेंडाजोल एक टेबलेट खिलाई जाती है कीड़े मारने की दवा, वो एल्बेंडाजोल पेट के अंदर कीड़े पड़ जाते हैं, और वो कौन सी बीमारी है, वो वर्मल डिजीज है, वॉर्म्स के द्वारा होती है। एलिफेंटियसिस एक डिजीज है, जिसमें आदमी के इन्फेक्शन होने पर आदमी का पैर है वो एलिफेंट के जैसा मोटा हो जाता है, एलिफेंट फुट जैसा हो जाता है, इसलिए इसको नाम दिया एलिफेंटियसिस। और याद रखिए कि जो बच्चे, अपने माँ बाप से बात करिए कि जो बच्चे रात के समय दांत पीसते हैं तो बहुत ज्यादा संभावना है कि उसके पेट के अंदर कीड़े होंगे, इसलिए 5-6 महीने के बाद में आपको एल्बेंडाजोल एक टेबलेट आती है, मार्केट में फ्री मिलती है, डॉक्टर के पास में मिल जाती है, एल्बेंडाजोल है, वो खा लेनी चाहिए रात को दूध पी करके, और एल्बेंडाजोल खा ले जिससे पेट के कीड़े हैं आपके खत्म हो जाए। ठीक है, ये कुछ पैथोजेंस के आपको इमेज दिखा रहे हैं। यहाँ पर ये ए है, पिक्चर ऑफ सार्स वायरस कमिंग आउट ऑफ द सरफेस ऑफ एन इन्फेक्टेड सेल। सार्स वायरस है बच्चों, ये कोविड वायरस है, इसको भी SARS-2 नाम दिया गया है, ये भी आप SARS-2 या SARS-19 नाम दिया गया, ये इसी तरीके का वायरस है। व्हाइट स्केल लाइन रिप्रेजेंट्स 500 नैनोमीटर्स, विच इज हाफ ए माइक्रोमीटर, विच इज 1000th ऑफ ए मिलीमीटर। द स्केल लाइन गिव्स अस एन आइडिया ऑफ हाउ स्मॉल द थिंग्स वी आर लुकिंग एट, मतलब कितनी छोटे होते हैं आप, ये आप देख सकते हैं, ये 500 नैनोमीटर है उसको रिप्रेजेंट कर रही है। बी पिक्चर में देखिए, पिक्चर ऑफ स्टेफाइलोकोकाई, ये बैक्टीरिया का नाम है स्टेफाइलोकोकाई, द बैक्टीरिया विच कैन कॉज एक्नी, एक्नी बनाते हैं, आपके दाग धब्बे बन आ जाते हैं, पिंपल्स आ जाते हैं, तो इसके स्टेफाइलोकोकाई की वजह से। द स्केल्स ऑफ द इमेज इज इंडिकेटेड बाई द लाइन एट टॉप लेफ्ट विच इज 5 माइक्रोमीटर लो, मतलब इतने छोटे स्केल में ये है, छोटे होते, माइक्रोस्कोपिक होते। और ये आप देख पा रहे हैं, एक वाइट कलर का एक स्ट्रक्चर है, ये है पिक्चर ऑफ ट्राइपेनोसोमा, ये ट्राइपेनोसोमा है, ये वाली, ये ट्राइपेनोसोमा
ट्राइपैनोसोमा है, द प्रोटोजोन ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लीपिंग सिकनेस, ये इन्फेक्शन कर दे तो स्लीपिंग सिकनेस हो जाता है, द ऑर्गेनिज्म लाइंग नेक्स्ट टू ए सॉसर शेप्ड रेड ब्लड सेल टू गिव एन आइडिया ऑफ द स्केल, मतलब ये कितना ये होता है रेड ब्लड सेल से भी ये इन्फेक्शन, ये ब्लड के अंदर इन्फेक्शन करता है और ब्रेन में जाकर के ये उसके आदमी के नर्वस सिस्टम को सुस्त कर देता है, इसलिए इसमें नींद ज्यादा आती है, इसको कहते हैं स्लीपिंग सिकनेस। तो आप यहाँ पैथोजन को देख पा रहे हैं कितने माइक्रोस्कोपिक होते हैं, इसलिए बच्चों कहा जाता है कि मास्क लगाइए, जो आप सोच रहे हमारे आसपास कुछ भी नहीं है वो इन्फेक्शन के द्वारा, हवा के द्वारा ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या वायरसेस हैं बॉडी में एंटर कर जाते हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं डी में पिक्चर ऑफ लेसमानिया, ये लेसमानिया का आप इमेज देख रहे हैं, लेसमानिया है द प्रोटोजन ऑर्गेनिज्म दैट कॉजेज काला आजार, ये काला आजार करता है, काला फीवर करता है। द ऑर्गेनिजम्स आर ओवल शेप्ड एंड ईच हैज वन लॉन्ग वाइप लाइक स्ट्रक्चर, वन ऑर्गेनिज्म एरो इज डिवाइडिंग व्हाइल ए सेल ऑफ द इम्यून सिस्टम लोअर राइट हैज ग्रिप्ड ऑन द टू वाइप्स ऑफ द डिवाइडिंग ऑर्गेनिज्म एंड इज सेंडिंग सेल प्रोसेसेस अप टू ईट अप द ऑर्गेनिज्म, मतलब ये जो वाइट कलर की दिख रही है ये तो आपकी इम्यून सेल है, डब्ल्यू बी सी का एक टाइप है, जो इसको खींच करके खाने की कोशिश कर रहा है, लिस्मेनियों को मारने की कोशिश कर रहा है, परंतु जब अगर आपकी इम्यून सेल हार जाएगी तो ये लिस्मेनिया है वो डिजीज कर देते हैं। और ई में आप देख पा रहे हैं ए पिक्चर ऑफ एन अडल्ट राउंड वर्म, ये राउंड वर्म कीड़े की जो मैं बात कर रहा था, एस्केरिस राउंड वर्म, एस्केरिस लुब्रिकोइडिस फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन द रूलर 4 सेंटीमीटर्स टू गिव एज एन आइडिया ऑफ द स्केल, मतलब ये 4 सेंटीमीटर तक लंबा हो सकता है, उससे भी बड़ा ये हो सकता है एस्केरिस। तो कहने का मतलब है कि ये पेट के कीड़े हैं वो कितने खतरनाक हैं और दिन रात आपके पेट को, पेट में से खून को चूसते रहते हैं। और बच्चों याद रखिए कि पेट में दर्द नहीं करते, अगर दर्द करेंगे तो आप दवा खा लेंगे, इसलिए ज़्यादा दर्द नहीं करते, धीरे धीरे वो खून को चूसते रहते हैं। और रात्रि के समय जब आप सो रहे होते हैं तो ज़्यादा काटते हैं, इसलिए बच्चे हैं वो दांत पीसते हैं। तो इस तरीके से ये पैथोजेंस हैं वो अलग अलग टाइप के हमने डिस्कस किए, कौन कौन से इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं, वायरस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, फंगी होते हैं, प्रोटोजोअन्स होते हैं और वॉर्म्स होते हैं। ठीक है, तो आज इतना ही कर लें बस।